आखिरकार तमाम तरह के कयासों के बाद सामने आ गया है वो एक नाम जो वाराणसी की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी नहीं बल्कि अजय राय वो चेहरा बनने वाले हैं जिसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है। ऐसे में प्रियंका का पत्ता काटने वाले ये कौन है अजय राय, इनसे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। शुरुआत करेंगे उस वक्त से जब अजय राय बीजेपी के साथ खड़े थे। जी हाँ, मिली जानकारी की माने तो जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तब साल 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। गौर हो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जिसमें उन्हें जीत प्राप्त हुई, लेकिन बीजेपी और उनका साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। अजय ने साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो पहुंचे समाजवादी पार्टी जहां उन्होंने साल 2009 में उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ा। फिर बारी आई 2014 के लोकसभा चुनाव की जहां इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा वाराणसी की ही जमीन पर, लेकिन उनकी शर्मनाक हार हुई। नरेंद्र मोदी इस सीट को जीते और अजय राय तीसरे नंबर पर पहुंचे। इन सबके बाद 2019 में भी कांग्रेस ने किसी तरह का कोई बदलाव ना करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की जमीन पर अजय राय को ही टिकट दिया है। SPN9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।